जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय आश्रव अधिकार पढ़ रहे थे। आश्रव अधिकार में कल अपन ने देखा था सांप्रायिक आश्रव और ईर्ष्यापथ आश्रव। आज अपन देखेंगे सांप्रायिक आश्रव जो है वो कितने प्रकार से जीव के होता है, किन किन कारणों से होता है और कितने प्रकार से आश्रव होता है। तो आइए सूत्र नंबर 5वां जो है सर्वप्रथम उसका उच्चारण करते हैं और इसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। इंद्रिय कषायव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। एक बार पुनः, इंद्रिय कषायव्रत किया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। षष्टम अध्याय का सूत्र नंबर 5वां, इंद्रिय कषायव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। देखिए क्या लिखा है, पहला इंद्रिय, दूसरा कषाय, तीसरा अव्रत, ये संधि निकलेगी कषाय प्लस अव्रत, और चौथा है क्रिया। इस प्रकार से ये बहुवचन है, पूरा ये समस्त पद है ये बहुवचन में है, क्योंकि इंद्रियां भी कितनी हैं, 5 हैं, कषाय कषाय जो हैं वो चतु 4 हैं, अव्रत हैं वह 5 है, और जो क्रिया है वो पंचविंशति 5, विंशति मतलब 5 मतलब 5 और विंशति मतलब 20 मतलब 25, 25 प्रकार की क्रियाएं हैं। इस प्रकार से ये संख्या 5 की 4 की 5 की और 25 की संख्याएं, इनके क्रम से हमें लगा लेना चाहिए। इंद्रिय की 5, कषाय की 4 संख्या लगाना चाहिए, अव्रत की 5 संख्या लगाना और क्रिया की 25 संख्याएं लगाना। ये पूर्वस्य भेदः, ये षष्ठी का ये जो एक वचन है पूर्वस्य, पूर्व मतलब पहले, पहले का पहले कौन सा है, अपन ने पहले सूत्र में पढ़ा है 2 प्रकार के आश्रव, सांप्रायिक आश्रव और ईर्ष्यापथ आश्रव। तो पूर्वस्य जो पहला वाला जो आश्रव है कौन सा, सांप्रायिक आश्रव भेदः, पूर्व के आश्रव के ये भेदः भेद हैं। ये भी बहुवचन में है क्योंकि ये बहुत सारे भेद हो चुके हैं इसलिए ये बहुवचन में है। तो पूर्व जो सांप्रायिक जो आश्रव है, ये पूर्व वाला जो पहले वाला जो आश्रव है उसके ये सारे भेद हैं। कितने हो गए, 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्या हो गई, क्रियाएं हो गई। तो इन सबको आप जोड़िए कितना हो जाएगा, जैसे 25 क्रिया हैं 5 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 4 कषाय को मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 5 अव्रत को और मिला लेते हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। इस प्रकार से इतने प्रकार से जो है सांप्रायिक आश्रव होता है, कषाय सहित आश्रव होता है। यह सूत्र क्यों बोला,
क्यों यह सूत्र आया आचार्य भवन के संज्ञान में? वह इसलिए क्योंकि हमने पूर्व सूत्र में देखा था, कहा गया था सांप्रायिक जो आश्रय है वह जो है कषाय सहित होता है। तो संसार में कषायवान जीव बहुत हैं, तो कषायमान जीव बहुत हैं तो इसलिए बहुत प्रकार का आश्रय होता है। तो बहुत प्रकार के जो आश्रय हैं उसको बताने के लिए आचार्य भगवान ने यह सूत्र बताया। ये पहला ही सांप्रायिक आश्रय है, ऐसा हमने सूत्र से कहाँ से जाना? तो इस सूत्र में जो पूर्वस्य भेदहा यह जो शब्द आया है, इस शब्द से हमने जाना कि यह जो पहला नंबर का जो आश्रय है सांप्रायिक, अर्थात कर्म ही जिसका प्रयोजन हो, संसार ही जिसका प्रयोजन हो, दुख ही जिसका प्रयोजन हो, ऐसा वो सांप्रायिक आश्रय है, उसको हमने इससे जाना। इस प्रकार से यह सांप्रायिक आश्रय का हमने इसमें बात सूत्र में कही। अब जो इंद्रिय है, कषाय है, अवृत है और क्रिया, इनसे आश्रय कैसे होता है? तो सबसे पहले अपन तो इंद्रिय की परिभाषा जाने कि इंद्रिय किसे कहते हैं। तो आत्मा के लिंग को, आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय किसे कहते हैं? जो आत्मा की पहचान कराए, आत्मा की पहचान जिससे होती हो उसे अपन इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय भी दो प्रकार की होती हैं, एक द्रव्य इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। जो कर्म के क्षयोपशम से जानने की शक्ति होती है, कर्म के क्षयोपशम से जो शक्ति प्रकट होती है, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो शक्ति प्रकट होती है और ज्ञानावरणी आदि कर्म के क्षयोपशम से जो जानने की शक्ति प्रकट होती है, तो इस प्रकार से जो जानना देखना आदि जो होता है यह भाव इंद्रिय कहलाती है। इस भाव इंद्रिय की जो शक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो हमारे द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से होती है। वो जो द्रव्य इंद्रियां होती हैं वो आपको बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे आँख है, नाक है, कान है, इस प्रकार से चक्षु है और ये पूरा जो शरीर स्पर्शन इंद्रिय है, इन सब से हमारे जो है भाव इंद्रिय की अभिव्यक्ति के एक कारण बनती हैं। तो सीधी सी बात है, जो इंद्रिय है आत्मा का जो लिंग है, जो आत्मा का जो चिन्ह है उसे इंद्रिय कहते हैं। फिर क्या आया है? कषाय। कषाय के बारे में मैंने कल आपको बताया भी था, जो आत्मा को कषे, जो आत्मा को दुख दे, जो आत्मा को दुर्गति दे, जो आत्मा के चारित्र गुण श्रद्धा गुण को घाते, नुकसान पहुँचाए, उसे क्या कहते हैं? कषाय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कषाय की परिभाषा हुई। और फिर अव्रत, अव्रत मतलब जो व्रत रहित जो परिणाम हैं वो अव्रत परिणाम हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब क्या हैं? अव्रत रूप परिणाम हैं। इनमें व्रत के परिणाम नहीं हो सकते, हिंसा में काय की करुणा के परिणाम नहीं हो सकते हैं। तो जो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से व्रत धारण नहीं कर पाता है वो सब अव्रत कहलाते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म का इतना तीव्र उदय होता है, अनंतवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये जो 16 जो कषायें हैं इन कषायों का इतना तीव्र उदय होता है जिसके कारण इसमें व्रतों को धारण करने के परिणाम नहीं होते हैं, वो अव्रत हैं। अव्रत परिणाम से भी क्या होता है? आश्रव होता है। क्रिया, क्रिया क्या है? जो गमनागमन है, हलन चलन है, परिस्पंदन है, जो कार्य है वह कार्य ही क्रिया है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने मन, वचन और काय के माध्यम से जो कुछ भी हमारा प्रणमन हो रहा है वो सारा का सारा क्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से वो क्रियाएं भी कितने प्रकार की होती हैं? 25 प्रकार की। हम दिन भर 24 घंटे में कितनी प्रकार की क्रियाएं करते हैं? तो आचार्य कहते हैं क्रियाएं 25 होती हैं, मुख्य 25 होती हैं। उसके आप भेद प्रभेद करो तो बहुत असंख्यात लोक प्रमाण भी भेद बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कषाय हैं 4 होती हैं, अब एक एक कषाय के भेद करो जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा, तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद कषाय के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया जो ये हैं आश्रव, सांप्रायिक आश्रव के कारण होते
हैं। नमोस्तुते श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, क्रिया के द्वारा आश्रव कैसे होता है? क्रिया हमारे भावों की अभिव्यक्ति। आत्मा में भिन्न भिन्न भाव होते हैं, प्रति समय किसी न किसी प्रकार के परिणाम होते रहते हैं, और उन परिणामों के कारण जो हमारी प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे अभी खाने के परिणाम हुए, तो खाने के लिए आपका चलना, उठना, बैठना, बोलना आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं होंगी, तो वो क्रियाएं क्या, वो प्रवृत्ति जो है वो हमारी क्रिया कहलाएगी। आपका मन हुआ मंदिर जाने का, तो मंदिर जाने का जो मन हुआ तो उसके कारण आप नहाएंगे, धोएंगे, तैयार होंगे, मंदिर के लिए गमन करेंगे। ये जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं ये सब प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, आपकी क्रिया कहलाएगी। आपका मन है शंबे शिखर जाना, आपने शंबे शिखर के बारे में तैयारियां की और आप जाने भी लगे, आप यात्रा कर रहे हैं, ये जितनी भी प्रवृत्ति है, तो अंदर जो भी हमारे भाव प्रकट होते हैं इच्छा पूर्वक जो भी भाव प्रकट होते हैं और उसके कारण जो भी प्रवृत्ति पाई जाती है वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। एक बात ध्यान रखना, क्रिया दो प्रकार की, इच्छा पूर्वक और एक अनिच्छा पूर्वक। एक तो मोहिनी कर्म की इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति पाई जाती है और एक अनिच्छा कर्म के उदय से भी, जैसे तीर्थंकरों के विहार, गमनागमन, बैठना, उठना, प्रवचन करना, ये सब उनकी औदिकी क्रिया कहलाती है, जिसमें उनकी कोई इच्छा नहीं है पर वो भी एक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से क्रिया जो है वो आश्रव का कारण होता है। तो तीर्थंकर को भी आश्रव हो रहा है और हम सब संसारी प्राणी कषायमान जीवों को भी आश्रव हो रहा है, पर वो आश्रव हमने आपको बता दिया था, कषाय सहित जीव को सांप्रायिक और कषाय रहित वालों को इरियापथ आश्रव होता है। इस प्रकार से यह क्रिया की इस प्रकार की परिभाषा होती है। अब यहाँ पर देखिए जो अपने सूत्र पढ़ा है पाँचवा नंबर, उसका यहाँ पर देखते हैं। ऊपर लिखा है सांप्रायिक आश्रव के 39 भेद, 39 भेद। उसमें मुख्य जो है वो चार भेद हैं, इंद्री, कषाय, अव्रत और क्रिया, ये मुख्य चार भेद हैं। इनके भेद के प्रभेद देखिए, इंद्री के नीचे लिखा है पांच, पांच प्रकार की इंद्रियां होती हैं आप जानते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। उसके नीचे लिखा है पांच इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति का भाव, पांच इससे आश्रय होगा, पांच प्रकार की जो इंद्रियां हैं उसमें प्रवृत्ति का भाव। कषाय, कषाय में क्या लिखा है, चार प्रकार का, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो आत्मा को कषे अर्थात दुख दे उस रूप आपकी प्रवृत्ति उससे होने वाला आश्रव। फिर लिखा है अव्रत, अव्रत पांच प्रकार का होता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, और ये इनके कारण दुख का कारण बुरा हुआ कार, ये पांचों जो अव्रत हैं वो दुख का कारण हैं, बुरे इनसे कार होते हैं, बुरी प्रवृत्तियां हमारी होती हैं, इससे भी आश्रव होता है। और फिर लिखा है क्रिया, क्रिया कितने प्रकार की लिखी है, 25, भिन्न भिन्न भावों सहित प्रवृत्ति, जो भिन्न भिन्न भाव हैं उनसे हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो क्रिया होती है। इस प्रकार से 39 ये यहाँ पर भेद देखे। तो पांच इंद्रिय के जो विषय हैं उनमें प्रवृत्ति का जो भाव है वो इंद्रिय के माध्यम से होने वाला आश्रव है। जैसे अपन लगाइए स्पर्शन, तो स्पर्शन मतलब है हल्का, भारी, कठोर, नरम, चिकना, रूखा आदि, इस प्रकार से ठंडा, गर्म। तो ये आठ प्रकार के जो भेद हैं इनमें हमारा राग द्वेष का परिणाम जाना, हमने कोई कपड़ा पहना तो ये बहुत सुंदर है, बहुत चिकना है, बहुत कोमल है, ये अच्छा लग रहा है, इस प्रकार के स्पर्शन इंद्रियों को अच्छा लगना, तेल अच्छा लगना, कोई भी चीज़ अपन आभूषण अच्छे लगना, तो ये सब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उससे जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, उन भावों से जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है उससे भी क्या हो रहा है,
नियमित रूप से आश्रय हो रहा है। हमको लगता है हमको तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम बुरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे आप जो श्रृंगार कर रहे हैं, जो आप शरीर को सजा रहे हैं, संहार रहे हैं, आपको रूखा चिकना का जो एहसास हो रहा है, गर्मी है तो आपको एसी की हवा, पंखे की हवा, ठंडी हवा अच्छी लग रही है, और तो इस प्रकार से जो ठंड है, ठंड के समय हीटर, लाइट, मरकरी, इनकी गर्माहट आपको अच्छी लग रही है, तो धूप भी आपको यदि अच्छी लग रही है, तो ये सब जो है क्या है, ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुख लेने के परिणाम हैं। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी परिणाम होने के कारण इससे प्रति समय कर्म का आश्रय होता रहता है। रसना इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय खट्टा, मीठा, कसाइला, चरपरा आदि के जो खाने के जो परिणाम हैं, ये अपन को खट्टा मिल गया तो बहुत अच्छा मिल गया, नहीं मिला तो अपन रुष्ट हो गए, तो इसमें भी राग द्वेष के प्रति समय परिणाम चलते रहते हैं। वो परिणाम के कारण भी क्या हो रहा है, प्रति समय कर्म का आश्रय हो रहा है। देखा जाए व्यक्ति के स्पर्शन इंद्रिय संबंधी और रसना इंद्रिय संबंधी, ये दो इंद्रियाँ ऐसी हैं जिसे आचार्यों ने काम का कारण बोला है, ये काम के कारण हैं, और ये जो है ऐसी इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों को और बलवान बनाता है और उसे संतुष्ट करता है, जिससे और भी ज़्यादा कर्मों का आश्रय हुआ करता है। तो रसना इंद्रिय के माध्यम से किसी को खाने का बहुत शौक है, मुझे ऐसा ही पसंद है, ऐसा पसंद नहीं है, उसके लिए लड़ता है, झगड़ता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, उसमें कितने प्रकार के परिणाम लगाता है, इन सब के कारण भी रसना इंद्रिय संबंधी क्या हो रहा है, आश्रय हो रहा है। फिर अपन स्पर्शन रसना घ्राण, घ्राण संबंधी मतलब क्या है, जो आपके सुगंध और दुर्गंध के प्रति जो आपके परिणाम हैं, सुगंध यदि आ गई तो आपको आहा कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर यहाँ पर वातावरण है, सुगंधित वातावरण है, तो सुगंध को सूंघने का और उसमें मज़ा आनंद लेने का जो परिणाम है वो भी आश्रय का कारण है। दुर्गंध आ जाने पर रुष्ट हो जाना, विचिकित्सा आना, ग्लानि पैदा होना, तो इस प्रकार से वह जो परिणाम है वो परिणाम भी द्वेष रूप परिणाम सुगंधित रूप दुर्गंधित रूप से वो भी आश्रय के कारण होते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, चक्षु मतलब आँख से दिखने वाले जो काले पीले नीले जो भी आपको दिख रहा है, कलर ही तो दिख रहा है हर चीज़ का, उस कलर में कुछ बनावट दिख रही है, मकान, दुकान, घर, व्यक्ति, परिवार, जो भी कुछ दिख रहा है आपको, पुद्गल दिख रहा है, इन सब पुद्गलों में राग द्वेष करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये घटिया है, इस प्रकार के जो आपके भावों की प्रवृत्ति हो रही है चक्षु इंद्रिय संबंधी विषयों को लेकर के, उनसे भी प्रति समय कर्म का आश्रय हो रहा है। बैठे बैठे कितने पापों का बंद हो रहा है, टीवी के माध्यम से कितने पापों का बंद हो रहा है, आप टीवी देख रहे हैं, उसमें सीरियल देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, और न जाने कैसी कैसी चीज़ें देख रहे हैं, जिसके अंदर आपके अंदर क्राइम करने के भाव, क्राइम करने के आइडिया, और किसी को मारने के, किसी को चोरी करने के, किसी को झगड़ने के, ऐसे किसी को कितने प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, घर बसाने के परिणाम हो रहे हैं, रंग रूप आदि देख करके उस प्रकार का होने के परिणाम हो रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनने का, ऐसा मकान बनाने का, तो टीवी के माध्यम से कितना कर्म का आश्रय होता है आधार्मिक चैनलों को देखने से, भोग विषयों के चैनल को देखने से, धार्मिक चैनल देखने से भी आश्रय होगा पर वो शुभ रूप आश्रय होगा, आधार्मिक चैनल देखने से आपके पाप रूप आश्रय प्रति समय होगा। तो इस प्रकार चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम कितने पापों का बंद करते हैं। लोग बोलते हैं मुझे घूमने जाना है, मुझे ये कुछ देखने जाना है, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ऐसे स्थान में घूमने जाना है। किस बात का आशीर्वाद दें भाई, पाप का ही तो आश्रय करके आओगे, वहाँ पर देखोगे अच्छी चीज़ देख करके राग करोगे, यहाँ पर आके देखोगे तो फिर द्वेष करोगे, वहाँ अच्छा है यहाँ बुरा है, इस प्रकार से आप उस प्रति समय क्या बनेंगे, पाप का आश्रय का बंध करते रहेंगे चक्षु इंद्रिय संबंधी। फिर चक्षु, फिर कर्ण इंद्रिय संबंधी, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और फिर कर्ण, कर्ण इंद्रिय संबंधी, कानों के द्वारा हम जो ये मोबाइल है, रेडियो है,
इसके माध्यम से बहुत सारी बातें सुनते हैं, तो सुनने में भी हमारी इच्छा लगती है और इच्छा के साथ साथ कुछ अच्छी लगती हैं तो राग होता है, कुछ बुरी लगती हैं तो उसके प्रति द्वेष होता है। किसी की निंदा सुनते हैं, किसी की बुराई सुनते हैं, किसी की प्रशंसा सुनते हैं, तो इस प्रकार से इन सब के कारण भी क्या होता है, आश्रव होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे योगों में चंचलता होती है और योगों में चंचलता होने के कारण प्रगति प्रदेश आश्रव बंद होता है और बंद होता है तो वह स्थिति अनुभाग कषाय होने के कारण उसमें स्थिति अनुभाग भी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से पांच इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत, इन पांचों इंद्रिय संबंधी जो विषय संबंधी भाव हैं उन भावों के कारण जो हमारी प्रवृत्ति पाई जाती है मन वचन और काय की, उसके कारण प्रति समय आश्रव होता है। यह आश्रव इंद्रिय संबंधी सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री, इंद्रिय और कषाय का आपस में अविनाभाव संबंध है तो यहाँ एक का वर्णन करना था, दोनों का क्यों किया? इंद्रिय और कषाय, देखिए कषाय तो अपने जो भाव हैं वह परिणाम हैं और वह परिणामों के माध्यम से इंद्रिय जन जो क्षयोपशम हैं उसकी अभिव्यक्ति हमारे द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से होती है। इसलिए अविनाभाव संबंध होते हुए भी इंद्रिय और कषायों को अलग अलग वर्णन करना ही उचित है, क्योंकि जहाँ पर कषायों की मंदता होती जाएगी वहाँ पर इंद्रियों संबंधी भी क्या बोलते कि कर्म का आश्रय होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर कषाय की अभिव्यक्तता नहीं होगी लेकिन फिर भी इंद्रिय संबंधी जो है वह कर्म जो है वहाँ आश्रय होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इंद्रिय और कषायों का जो वर्णन है वो अलग अलग करना अत्यंत जरूरी था। पांच इंद्रियों के बारे में अपन ने समझा, अब चार प्रकार की जो कषायें होती हैं क्रोध मान माया और लोभ, इनके कारण भी प्रति समय हमारे आश्रय होते रहते हैं। एक समय भी ऐसा नहीं है कि जीव राग द्वेष के परिणाम ना करता हो। क्रोध और मान जो हैं वो द्वेष कहलाते हैं, माया और लोभ रूप जो परिणाम हैं वो राग कहलाते हैं। इस प्रकार से चार कषायों को दो में विभाजित करते हैं, राग और द्वेष में। तो या तो जीव राग करता है या फिर जीव द्वेष करता है, तो राग और द्वेष के कारण भी प्रति समय क्या होते हैं, कर्म का आश्रय होता रहता है। वह किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी विषय को लेकर के राग करता है या उसके प्रति द्वेष के परिणाम करता है। हम क्रोध करते हैं जब किसी पर अपेक्षा होती है, अपेक्षा में उपेक्षा हो जाती है तो हम क्रोध करते हैं। आशा है और फिर निराशा हाथ में लगी तो हमारे लिए क्रोध प्रकट होता है, उस क्रोध के कारण आदमी क्या करता है, फिर आश्रय करता है। इसी प्रकार से मान की, हमारी जो मान की भाव थे वो पूर्ण नहीं हो पाया तो उसके कारण फिर मान प्रकट हो जीव का होता है। कुछ चीज़ है जो छुपाने के भाव रख रहा है उससे मायाचारी के परिणाम प्रकट होते हैं। लोभ है, किसी चीज़ को पाने की उसके जो भाव हैं वो लोभ के भाव हैं। इस प्रकार से क्रोध मान माया और लोभ, इन कषायों के कारण भी जीव क्या करता है, आश्रय करता है। और भी कषाय के भेद वैसे हैं, हास्य रति अरति और ये जो कषाय कहलाती है किंचित कषाय, उसे पूर्ण कषाय नहीं कहते हैं, उसे किंचित कषाय कहते हैं। हंसना भी एक कषाय है, हास्य कषाय, रति किसी वस्तु से प्रेम करना, किसी वस्तु से आप प्रेम करना, घृणा करना, रति अरति शोक, किसी वस्तु के गुम जाने पर या वियोग हो जाने पर शोक परिणाम प्रकट होना। इस प्रकार से भय, हमें किसी चीज़ से राजा का परिवार का या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का डर लगाना, वो भय, वह भी एक कषाय कहलाती है। स्त्री संबंधी परिणाम, पुरुष संबंधी परिणाम, नपुंसक संबंधी जो परिणाम हैं वो परिणाम भी जो हैं कषाय के परिणाम हैं। इन सब से कर्मों का आश्रय हुआ करता है। इस प्रकार से कषाय सांप्रायिक ये आश्रय कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कषायों की हानि करना चाहिए, कषायों कम करना चाहिए,
समता रूप परिणाम लाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं समता परिणाम सामायिक परिणाम है, संयम से समता आती है। हमें प्राणी संयम रखो, हमें इंद्रिय संयम रखो, वाणी संयम रखो, इन संयम रखेंगे तो हमारे अंदर समता आएगी और समता से फिर सामायिक प्रकट होती है। सामायिक से ही फिर हमारे अंदर सिद्धत्वपना प्रकट होता है। सामायिक कारण है, सिद्ध पर्याय वो कार्य रूप से है। तो हमारे अंदर जो सिद्धत्व प्रकट होगा, वीतराग प्रकट होगी, वो किससे होगी? सामायिक के माध्यम से होगी। तो इसलिए हमें संयम की ओर बढ़ना चाहिए, कषायों का हनन करना चाहिए, उपशमन करना चाहिए और अपने अंदर बहुत परिणामों में निर्मलता लाना चाहिए, विशुद्धि अंश प्रकट करना चाहिए, जिससे हमें ये सांप्रायिक कषाय संबंधी आश्रव ना हो। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने आज दो प्रकार के आश्रव देखे, इंद्रिय और कषाय। कल अव्रत और क्रिया संबंधी आश्रव का वर्णन करेंगे। आइए यहाँ पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं, अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरु सदा दित हो दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तत्वार सूत के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेंद्र।